अपना वाला पाँव दिखाएं और वो वाला पाँव दिखाएं आप। अभी आप लोग देख रहे हैं एक पाँव पे जूता है और एक पाँव इनका विदाउट जूता है। उसकी वजह यही है, दोस्तों इस बार सफ़र स्टार्ट होता है सामान पैक करने से। सामान पैक करने के बाद हम लोग पहुँचे अपने लोकल नीलम वैली के अड्डे पे। वहाँ हम सब दोस्त इकट्ठे हुए और हम लोगों ने गाड़ी बुक करवाई शारदा टू केल। शारदा केल की गाड़ी बुक करवाने के बाद हम लोग गाड़ी में एडजस्ट हुए और गाड़ी में एडजस्ट होने के बाद हमने बोला मुजफ़राबाद को खुदा हाफिज़। फिर वहाँ से रवाना हुए पटिक्के हम लोगों ने किया स्टे। उसके बाद हम लोग वापस गाड़ी में बैठे और नीलम वैली की तरफ चलने लगे। नीलम वैली जाते हुए रस्ते में नौसेरी को क्रॉस किया, नौसेरी के बाद नौसेरी डैम। ये सब वीडियोस हमने गाड़ी में बैठ के ही बनाई क्योंकि गाड़ी कहीं रुकी नहीं उसके अलावा। फिर हम लोग पहुँचे अठमकाम। अठमकाम ज़्यादा कुछ करने को नहीं था तो फिर हम लोगों ने वहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें वगैरह ली और हल्का फुल्का अपना पेट भरा। अठमकाम के बाद वापस हम गाड़ी में बैठ गए और अपने अगले स्टॉप का वेट किया। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नीलम वैली के अंदर एंटर होते गए। फिर हम लोग फाइनली पहुंचे द्वारियाँ। वहां पहुंचते साथ ही हम लोगों ने एक होटल ढूंढा और वहां पे स्टे किया। फिर शाम के टाइम हल्की फुल्की द्वारियाँ में ही वॉक की और इर्द गिर्द की जगह एक्सप्लोर की और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दीवारियाँ और अभी हम लोगों को ये आइडिया हुआ है कि यहाँ से जो है ना जीप अभी रत्तीगिरी नहीं जा रही क्योंकि जीप का रास्ता जो है ना हाफ क्लोज्ड है। तो अभी हम लोग डिसाइड किया कि यहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। हमने मेन दीवारियाँ बाज़ार में ही एक होटल ढूँढा है और हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और होटल के जो इर्द गिर्द का व्यू है वो ये आपके सामने रहा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, रात को हमारा स्टे दिल्ली होगा इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद सुबह हम लोग इंशाल्लाह ताला मॉर्निंग में निकलेंगे रत्ती गली लेक के लिए और देखते हैं सुबह जीप हमें तोड़ो तोड़ लेके जाती है या हमें रास्ते में कहीं रुकना पड़ेगा और ट्रैकिंग या हाइकिंग करनी पड़ेगी बेस कैंप से पहले। तो सुबह हम बेस कैंप जाएँगे, उसके बाद देखते हैं कि रत्ती गली, हंसराज, घटियाँ कौन कौन सी लेके हमें मिलती है। अब मैंने ब्लॉग में मैंशन तो कर दी है तो लेट्स सी एंड देखते हैं ऊपर जगह में क्या मिलता है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग नाजरीन। अभी हम लोग जीप में बैठ चुके हैं और सुनने में आया है कि रत्ती गली का रास्ता हाफ ओपन हो चुका है और हाफ अभी कल की तरह ओपन नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रत्ती गली की तरफ और होपफुली जो है रास्ता पूरा खुल चुका होगा। पीछे इन लोगों को इग्नोर करें, इन लोगों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही है। आप लोगों ने लाइट ठीक नहीं है यार। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। कुछ फाइनली जीप का जो सफ़र था हमारा ख़त्म हो चुका है और ये मेरी पीछे टीम चल के आ रही है और इर्द गिर्द पिछले
पिछले 2 दिनों की 3 दिनों की फ्रेश स्नोफॉल पड़ी हुई है। अभी बेस कैंप सामने ही है, हम लोगों को लग जाएंगे 20 मोर मिनट्स आई गेस बेस कैंप तक। फिर उधर जाके हम चाय वगैरह पियेंगे और सामान वगैरह रख के हम रतगिरी लेक के लिए जाएंगे। और जिस मकसद के लिए आए थे, बर्फ़ में रतगिरी देखने के लिए, वो होपफुली जो है ना हमारा पूरा हो जाएगा। तो खुशी भी हो रही है और देखते हैं एक्सपेक्टेशंस पे लेक का व्यू जो है उतरता है नहीं उतरता। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग बिल्कुल बेस कैंप के बाहर हैं और आफ्टर 20 to 25 minutes ऑफ ट्रैकिंग वी रीच्ड द स्टार्ट ऑफ आवर बेस कैंप, रतगिरी बेस कैंप। एंड दिस इज द व्यू। और जिस तरफ जो आपको ढेर नज़र आ रहा है, ये फ्रेश स्नोफॉल है पिछले 3 दिनों की। तो यही सोच के हम आए थे कि हमें कैसा व्यू मिलेगा, और अभी तक तो काफ़ी अच्छा। अब देखते हैं लेक हमें कैसी मिलती है। अब बेस कैंप पहुँच के चाय पीते हैं और नेक्स्ट सेशन बनाते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, अभी हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है, फ्रेश हो चुके हैं थोड़ा सा जितना हो सकते थे। तो अभी हम लोग जिस जगह पर स्टे करते हैं, शबनम होटल वाले दोस्त मेरे नीचे चले गए हैं बेस कैंप पे कहीं, और सॉरी दीवारियाँ चले गए हैं, तो वो लोग तो नहीं थे, तो हमने साथ नूरानी होटल पे स्टे किया है। तो अभी ये सामने के हालात हैं और बर्फ़ है थोड़ी, मेरे ख्याल से 1 फुट तो पड़ी होगी, ठीक है। तो पाँव काफ़ी धस रहा है और जो जूते मैं पहन के आया था बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, उनसे छाले भी हो गए, तो ये भी एक एमेच्योर हरकत थी। तो बस अभी चलना स्टार्ट कर दिया, स्लो स्लो जा रहे हैं। अभी टाइम 2 हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, तो ऊपर जाके देखते हैं कि लेक अब हमें किस तरह की मिलती है। पीछे मेरी टीम ऐसा ऐसा आ रही है और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वापस किस टाइम आते हैं और यहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं और कल क्या कर सकते हैं। फिर अगर स्टे करते हैं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी हम चल रहे हैं ऊपर। अच्छा जी नाज़रीन, अभी हम लोग हाफ वे थ्रू आवर ट्रैक हैं और बर्फ़ जो है वो बहुत तंग कर रही है, सबके जूते गीले हो चुके हैं, सब लड़के बाबा जूते चेंज कर रहे हैं, बर्फ़ निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एमेचर्स की तरह आए हैं, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं आए, ना गेटर्स हैं हमारे पास। हमारी अपनी गलती, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ये। स्टिल हाफ वे पहुँच चुके हैं और काफ़ी जल्दी कवर कर रहे हैं ट्रैक हम, बाकी लड़के हमारे पीछे हैं। तो खामोशी तो आपको फील हो रही होगी सिवाय मेरे दोस्तों की आवाज़ों के। तो प्रॉपर विंटर वंडरलैंड बना हुआ है एंड अब हम जा रहे हैं ऊपर रतगिरी की तरफ, आखिरी मरहला आ गया ये हमारे सामने। तो चलते हैं जी ऊपर, देखते हैं क्या मिलता है। फाइनली रतगिरी की पहली लुक वो है बस, एंड चल रहे हैं। पीछे मेरी टीम है और मैं पहला बंदा हूँ जो आया हूँ, यही चाह रहा था मैं। चलते हैं, वेलकम बैक। अभी हम लोग एग्जैक्ट रतगिरी पे मौजूद हैं और ये रहा सामने का व्यू। उस सामने आपको शोर भी आ रहा होगा एंड दिस इज़ माई पार्टनर स्लीपिंग, अदर्स आर क्वाइट बिहाइंड अस। स्टिल आखिर में बहुत मुश्किल हो गया था, आखिरी जो पैच था बिल्कुल तोड़ दिया था उस समय बिल्कुल। तो हमने डिसाइड किया हम ट्रैक को फॉलो नहीं करेंगे, हम बिल्कुल स्ट्रेट जो परपेंडिकुलर जा रहा था ना, हम उस पर आ गए और सत्यानाश हो गया सब कुछ, हालत बिल्कुल टाइट हुई इस टाइम। लेकिन ये है कि हम लोग इस व्यू की खातिर ऊपर आए हैं। अभी हीरो 9 से मैं एक टाइम लैप्स बना रहा हूँ क्योंकि मैं हर व्लॉग में टाइम लैप्स ही दिखाना चाहता हूँ। तो अभी हीरो 7 से रिकॉर्ड करूँ, आई डोंट नो कि ये इसका ऑडियो किस लेवल का होगा। स्टिल खैर द पॉइंट इज़ कि इस सीज़न में जब भी आप आएँ गेटर्स के साथ आएँ, कम वेल प्रिपेयर्ड, वरना हमारे इतना ख्वार होंगे। तो अभी इसके बाद हम नीचे बेस कैंप पर जाएँगे और विल हैव डिनर, उसके बाद जो है रेस्ट करेंगे, सोएंगे और सुबह का प्लान फिर सुबह ही बनाएंगे, क्या हमें सूटेबल है आगे जाने का या कोई और जगह देखने का। तो फिलहाल चलते हैं नीचे, और कोई भी नहीं आया हुआ यहाँ पे, कोई भी नहीं आया हुआ, रास्ते में कोई ट्रैकिंग का निशान नहीं था
और अभी जो है ना हल्की हल्की जो है ना पीक से ना तेज तेज स्नो गिर रही है। डिपार्चर फ्रॉम रत्ती वैली, छोड़ आए हैं स्नोई विंटर लैंड को, विंटर वंडरलैंड को। ठीक है, मुश्किल है यार स्टफ, स्टिल वी स्टिल मैनेज टू कम फ्रॉम देयर एंड अचीव अ बिट ऑफ ग्लोरी आई गेस। खैर ये रही मेरी टीम, दो लड़के रह गए थे जो ड्रोन वाले भाई थे वो खुद नहीं आए, ठीक है, और एक और लड़का था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी वो पीछे रह गया था। बाकी अभी पानी जो है ना अंग अंग में गया हुआ है और सत्यानाश हो गया और उतराई अब ज़्यादा मुश्किल लग रही है। खैर डिसेंड करेंगे, ठीक है, इसी ट्रक पे जाएंगे, हमारे पास टाइम काफ़ी है, 2.5 घंटे हमारे पास, ठीक है, टिल लास्ट लाइट। सो एवरीथिंग वेंट वेल, टाइम लैप्स उस लेवल का नहीं बन सके स्टिल, कुछ तो बन चुका, शॉर्ट्स अच्छे आ गए जो भी आ गया। तो अभी चलते हैं बेस कैंप पे, खाना खाते हैं एंड मैगी नूडल्स का सूप भी पीते हैं। चलिए अभी इजाज़त दें प्लीज़। अच्छा तो मैं कह रहा था कि इनका पाँव इतना सुन हो गया है बिल्कुल बर्फ़ में मुसलसल चल चल के, कि इनका इनको आइडिया ही नहीं हुआ कि इनके पाँव से जूता उतर गया है। मेरे कैमरे की लेंस कैप उतर गई है और किसी दोस्त भाईजान ने मोबाइल भी अपना कहीं घुमा दिया, पता नहीं चीज़ जाके मिल जाता या नहीं मिल जाता स्टिल। तो ये भी इस व्लॉग में हम आपको ऐड करवाते हुए चलें। वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग बेस कैंप को पीछे छोड़ आए हैं और लास्ट लाइट पड़ रही है इर्द गिर्द के पहाड़ों पे। हमारा इरादा इसलिए यहाँ पे रुकने का नहीं बन रहा क्योंकि एक तो सर्दी बहुत होगी, दूसरा अब हम जब इसको कवर कर ही चुके हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि नीचे पहुँचें क्योंकि बैटरीज वगैरह सब एंड हो चुका है, तो और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हमें पड़ रहा था, हमारे बजट से बाहर हो रहा था। तो बीइंग अ स्टूडेंट तो थोड़ा सा कंजूसी करनी पड़ जाती है। तो अभी जीप हमसे कोई 20-25 मिनट्स दूर है, तो जीप की तरफ जा रहे हैं, टांगें बिल्कुल अकड़ गई हैं, ठीक है, नीज में बिल्कुल जान नहीं है, हाथ बिल्कुल जो है ना शेल होए हुए हैं। तो बस अब हमारे सामने ये ट्रैक है, ठीक है, और ये रहा आपका स्लीपिंग जाइंट रॉक फेस माउंटेन और वो पीछे रहा जी आपका बेस कैंप। तो चलते हैं जीप की तरफ एंड अब नीचे जो है ना दीवारियाँ पहुँच के ही उसी होटल में स्टे करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जज़ाकअल्लाह। अच्छा तो व्यूअर्स अभी हम लोग बैठे हुए हैं केरन में और मोबाइल बंद, पूरी मेरी टीम जो है ना थकी हारी भी टूटी भी पड़ी हुई है और हम लोग खा रहे हैं केरन का मशहूर काबली पुलाव प्लस बिरयानी। आई डोंट नो व्हाट द नेम ऑफ द होटल इज बट हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और केरन में काफ़ी अच्छा माहौल भी होता है एंड बाय माहौल आई मीन आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये है कि यार अभी ट्रिप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग डिसाइड करें वापस मुजफ्फराबाद जाएं, थोड़े मूड शो हम लोगों के जल चुके हैं हमेशा की तरह बिकॉज वी आर एमेच्योर्स, स्टिल इट वॉज़ अ ग्रेट ट्रिप और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। अभी हम लोग जाएंगे वापस मुजफ्फराबाद या रात को रुकेंगे और सुबह मुजफ्फराबाद जाएंगे। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, व्लॉग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, और अगले व्लॉग में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you.